नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप सभी के लिए लेकर आए हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, इलेक्ट्रॉनिक मशीन और वीवीपैट मामले पर जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, सुनवाई के पूरी खबर आगे आप तक पहुंचाएंगे, क्या कुछ मामला है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का ऐलान, तो वहीं जानेंगे। कांग्रेस फिर पहुंची है चुनाव आयोग, नई शिकायत दर्ज कराई गई है बीजेपी खिलाफ। इंडिया गठबंधन को लेकर जम्मू कश्मीर लद्दाख से भी आ रही है ताजा लेटेस्ट अपडेट। आप भी बने रहिए साथ में। और आप मानते हैं कि इस बार का चुनाव इंडिया गठबंधन जीत सकता है, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा वी सपोर्ट इंडिया गठबंधन। सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली अहम सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट आज एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी ADR की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मशीन के डेटा और वीवीपैट पर्चियों के रिकॉर्ड के बीच 100% मिलान की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करने वाला है। और आप सभी को बता दें, बेंच की अध्यक्षता जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने की। दोस्तों ये अपडेट निकल के आई है, आगे की खबर आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है इंडिया गठबंधन को लेकर। महाराष्ट्र में महाअघाड़ी गठबंधन ने सीट शेयरिंग का किया आधिकारिक ऐलान। महाविकास अघाड़ी गठबंधन इंडिया गठबंधन के तहत ही आता है। शिवसेना UBT उद्धव गुट 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस को 17 सीटें खाते में मिली है, NCP को 10 सीटें। महाराष्ट्र के पूर्व CM और शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, प्रयास लगातार जारी है लेकिन हमें ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जनता ने पहले ही तय कर लिया है कि इस बार यहां पे बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना है। जनता मान चुकी है कि इस बार जो तड़ी पार नारा दिया गया था उसे पूरा करना है और यहां पे महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बहुत बड़ी जीत होगी। ये यहाँ पे पूर्व CM उद्धव ठाकरे ने बड़ी बात कही है। सूत्रों के हवाले से बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, नितिन गडकरी की सीट फंस गई है। जी हाँ दोस्तों, नितिन गडकरी को अब अपनी जीत की संभावनाएं बहुत ही कम दिख रही हैं। वही नितिन गडकरी जो कह रहे थे 5 लाख की लीड से जीतूंगा, घर की बालकनी में भी नहीं आऊंगा, ये कहने वाले नितिन गडकरी की सीट फंसी पड़ी है। सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक इन्हें प्रचार करना पड़ रहा है, ये सूत्रों ने बड़ी जानकारी दी है। आपको बताते चले, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से लेकर योगी आदित्यनाथ तक बड़े दिग्गज नागपुर में गडकरी जी का प्रचार कर रहे हैं और ये सब कारण है नागपुर कांग्रेस के उम्मीदवार विधायक विकास ठाकरे जो नितिन गडकरी को यहाँ पे बड़ी टक्कर दे रहे हैं। ये ताजा लेटेस्ट न्यूज निकल के आई है। महाराष्ट्र की सबसे सेफ सीट गडकरी की नागपुर सीट भी फंसी है। RSS का गढ़ कही जाने वाली ये सीट पे भी बीजेपी पिछड़ रही है। आप देश में अंदाजा लगा सकते हैं बीजेपी का क्या हश्र होने वाला है। इसी के साथ ताजा अपडेट निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां पर बंधक बनाए गए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और 8 बार के सांसद संतोष गंगवार के समर्थकों ने की जबरदस्त नारेबाजी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए, भाजपाइयों ने ही यहां पर मोर्चा खोल दिया अपनी पार्टी के खिलाफ और कह दिया कि वह चुनाव का बहिष्कार करेंगे। बरेली भाजपा में बड़ी कलह उभर कर सामने आई है, बगावत के सुर बुलंद हुए हैं, हंगामे के कई वीडियो सामने आ चुके हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बने हैं जो बीजेपी की पोल खोल के रख रहे हैं जनता के सामने। आपको बताते चले, खुले मंच से सांसद संतोष गंगवार के समर्थकों ने ऐलान किया कि उनका अपमान किया गया, इस बार पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। और इसी बीच पार्टी में कलह की सूचना पर संतोष गंगवार के निवास और कार्यालय पर पहुंचे भूपेंद्र सिंह चौधरी को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुर्दाबाद के नारे लगाए और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही कार्यालय का घेराव किया और संतोष गंगवार ने किसी तरह अपने समर्थकों के बीच से प्रदेश अध्यक्ष को बाहर निकाला। भाजपा में प्रधानमंत्री के बरेली में रैली होने से पहले ही भारी बवाल लगातार जारी है क्योंकि संतोष गंगवार को इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया बरेली से। कर्नाटक में भाजपा की बढ़ी है टेंशन, मोदी के मंत्री के खिलाफ लड़ेंगे लिंगायत संत। कई सीटों पे
असर का डर, बीजेपी में खलबली का माहौल। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बीजेपी में खलबली है, बगावत के सुर बुलंद हो रहे हैं, जो कि बीजेपी का गणित बिगाड़ने के लिए काफी हैं। गौरतलब है कि कर्नाटक की राजनीति में लिंगायत समुदाय का वोट काफी अहम रहा है। किसी भी चुनाव में इस समुदाय की भूमिका निर्णायक रही है। माना जाता है कि इनका समर्थन भाजपा को ही मिलता रहा, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में तस्वीर बदलती दिख रही। मोदी सरकार के मंत्री प्रहलाद जोशी के खिलाफ लिंगायत समुदाय के बड़े संत जगत गुरु फकीरा दिंगलेश्वर महास्वामी ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इससे भाजपा के लिए एक चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है और इसका असर बहुत सी लिंगायत बहुल सीटों पर भी पड़ सकता है। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का यह फैसला सीधे तौर पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहा। अभी तक इस समुदाय का पूरा वोट एक तरीके से कहें तो बीजेपी के पक्ष में जा रहा था, लेकिन इनके चुनाव लड़ने से यह वोट बैंक बढ़ जाएगा, जिससे बीजेपी उम्मीदवार को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ये बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल गया है, आपको बताते चले। महास्वामी का यह फैसला राज्य की सियासत में अहम है। कांग्रेस और भाजपा की राजनीति से इतर एक वैकल्पिक मंच तैयार करने की कोशिश के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। बिग ब्रेकिंग न्यूज, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 6 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगी। जी हां दोस्तों, पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने यह जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा 3 सीटों पर कांग्रेस और 3 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा हमें पूरा विश्वास है कि इन 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत होगी। इसके साथ ही उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर लोकसभा चुनाव में पीडीपी इंडिया गठबंधन की मदद कर गया तो आने वाले विधानसभा चुनाव में हम पीडीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पीडीपी को ये बात ठीक नहीं लगी और उन्होंने अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया। ये ताजा अपडेट निकल के आई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि वह देश और लोकतंत्र को जेल में बदलने का काम कर रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी ने दावा किया कि ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां अब सरकार की जेब में है। टीएमसी प्रमुख ने चेतावनी दी कि अगर पार्टी नेताओं को गिरफ्तार किया गया तो वह और टीएमसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आएंगे। ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर यहां पर कहा कि बीजेपी को हार का डर है, इसीलिए ईडी सीबीआई को यहां पर उतार दिया मैदान में। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बंगाल आए और उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी, मगर उनका इस बात से मतलब चुनाव के बाद विपक्षी नेताओं को सलाखों के पीछे भेजने से है। ये देख सकते हैं दोस्तों, सीएम ममता बनर्जी ने जोरदार तरीके से हमला बोला है बीजेपी पर। टीएमसी प्रमुख ने कहा कि पीएम को क्या इस तरह की बात शोभा देती है, क्या हो अगर मैं भी कहूं कि चुनाव के बाद बीजेपी नेताओं को जेल में डाला जाएगा, लेकिन मैं नहीं कहूंगी क्योंकि लोकतंत्र में इस तरह की चीजें अस्वीकार्य है। ये ताजा खबरें थी, बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।